आज जितेंद्र दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि राजघाट पर तो अभी प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, इसके बाद सदैव अटल जाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने, फिर नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद होगी। तो आप अभी दिल्ली की सड़कों पर हैं तो सुबह सवेरे से ही किस तरह से आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से या फिर हर एक लिहाज से, क्योंकि विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं? बिल्कुल आशुतोष, सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं कि प्रधानमंत्री को जब सुबह सुबह राजघाट आना था तो पूरी सड़कों को यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो एसपीजी के जवानों को तैनात किया गया था। इसके साथ ही दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। एक दो दिन पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उनका भी एक आदेश आया था और ये कहा गया था कि ड्रोन और इसके साथ ही कोई पैराग्लाइडर अगर यहां पर उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई थी और तमाम चीजों की पाबंदी भी उनकी तरफ से दिया गया था और उसके आदेश भी जारी किए गए थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन जहां पर 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अवैध किले के तौर पर वहां पर देखा जा रहा है क्योंकि कई देशों के विदेशी मेहमान पहुंचेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम भी कई जगहों पर लगाया गया है जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। साथ ही विदेशी मेहमान आशुतोष जिन होटलों में रुके हुए हैं वहां पर अलग से अधिकारियों की भी नियुक्त की गई है। तो इस तरीके की व्यवस्था सुरक्षा के किए गए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदैव अटल, यहां जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यहां पर समाधि स्थल है यहां पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो यहां से वार मेमोरियल के लिए पहुंचेंगे और वार मेमोरियल में जाकर के वो वहां पर शहीदों को याद करेंगे, शहीदों को नमन करेंगे। उसके बाद उनका पूरा दिन का कार्यक्रम शुरू होगा। बताया जा रहा है कि कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा उनसे उससे पहले मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है, चाय पर उनको बुला सकते हैं। तो इस तरीके की चर्चाएं चल रही है। लेकिन शाम को 7:15 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन की शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर वो पहुंचे, उसके बाद यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंच रहे हैं और यहां से सीधे रवाना होंगे वार मेमोरियल के लिए। वहां पर जाकर के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आशुतोष और जितेंद्र, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तो दिल्ली पहुंच चुकी हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को भी निमंत्रित किया गया, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग जो है तोपके उनको भी निमंत्रित किया गया है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ को भी बुलाया गया है। और देखिए, सदैव अटल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे राजघाट से सीधी तस्वीरें जहां पर बापू को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए हैं स्मारक स्थल सदैव अटल पर। और देख सकते हैं आप जो वहां पर लोग मौजूद हैं उत्साहित हैं, नारे भी लगा रहे हैं सुबह सवेरे, जो आप सुन पा रहे हैं भारत माता की जयकारे, सुनवाते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए तो अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक तरफ आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त सदैव अटल स्मारक स्थल से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। और जो दूसरी तस्वीर है, थोड़ी देर पहले राजघाट पहुंचे थे जहां बापू को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह सवेरे की जो पहली तस्वीर बापू को नमन करते हुए और ठीक कुछ मिनट्स बाद पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री सदैव अटल, जहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और लोग जो मौजूद हैं वहां पर, प्रधानमंत्री के सपोर्टर्स, बीजेपी के एनडीए के सपोर्टर्स और जो जनता है यहां, वो भारत माता की जयकारे लगा रही है।
ये खास तस्वीर और खास एम्बियंस है। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए जरा हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और जो लोग काफी उत्साहित आगे बढ़ते हुए देखिए जरा। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मौका है, इतिहास रचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम 7:15 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके पहले सुबह सवेरे यानी कि दिन की शुरुआत देश के महान सपूतों को नमन के साथ। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है राजघाट की, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो तस्वीरें। और अभी मौजूदगी है सदैव अटल स्मारक स्थल पर, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित की, नमन किया पीएम ने। और तीसरी बार आज चूंकि शपथ लेने जा रहे हैं तो इतिहास भी बनने जा रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 कार्यकाल अपना पूरा किया था लगातार तीसरी बार, और दूसरे ऐसे अब शख्स बनने जा रहे हैं, दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी उनके बाद, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। तीसरी बार मोदी 3.0 की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और आज शपथ शाम 7:15 बजे है, और उसके पहले सुबह सवेरे की ये तस्वीरें आपके बीच हम रख रहे हैं। तो दो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं सदैव अटल स्मारक स्थल की है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जो दूसरी तस्वीर है राजघाट की तस्वीर है, जहां बापू को श्रद्धांजलि दी है नरेंद्र मोदी ने। और दोनों ही जगहों पर लोगों की अच्छी खासी मौजूदगी है, जहां भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, और सुबह सवेरे लोग भी काफी उत्साहित, क्योंकि जिन्होंने चुना है नरेंद्र मोदी पर भरोसा प्रकट किया है उनके लिए ये खास दिन है, उनके लिए भी। अब इसके बाद चूंकि दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ राजघाट पर जाकर नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी को, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और अब बारी है नेशनल वॉर मेमोरियल में जाने की, तो प्रधानमंत्री वहां पर अब जा रहे हैं, जहां वीर सपूतों को, शहीदों को वो नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और इस तरह से दिन की अपनी शुरुआत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिर आज शाम बहुत बड़ा दिन, आज का दिन बहुत खास।